सैड सिंग है क्या? हम लोग सैड इसीलिए हैं क्योंकि हमारी वेकेशन सामने आ रहा है, हम लोग कहीं पे भी नहीं जा रहे बाहर। ओ तो फिर सैड होना ही पड़ेगा। दीदी कितने देर सैड रहना है? अरे पागल, चल कुछ करते हैं। अरे दूध अब तक पड़ा हुआ है, तो पूरा ठंडा हो गया। पीकू, देखो दूध नहीं दिया तुम लोगों ने। पीकू, दूध ठंडा हो गया ना बेटा, बाहर पड़ा पड़ा। हाँ तो हम लोग कुछ काम कर रहे थे, अब दूध रख दो, हम लोग ले लेंगे। और ये गेट क्यों बंद है, क्या कर रहे हो तुम लोग अंदर? यार मम्मा आप दूध छोड़ दो ना वहाँ पे, हम लोग ले लेंगे बाद में। अब हम लोग कुछ काम कर रहे हैं, जाओ यहाँ से अभी। दूध बाहर रख लियो, पी लेना। दीदी ठीक है ना? है ये क्या लिखा है, हमको वेकेशन चाहिए, क्या स्पेलिंग है? छोड़ो अभी टाइम नहीं है, ये ले लो। फ्रिको तुम जल्दी से किचन में जाओ छुटके, और है ना दो तीन चम्मच लेकर आओ बड़े बड़े। चलो ठीक है। छोटू का, ये मेरा, और हो गया। चलो चलो मिशन वेकेशन। हमको वेकेशन चाहिए। हमको ऑटो स्टेशन जाना है, जाना है, जाना है। वेकेशन का स्पेलिंग तो मस्त है। हमको वेकेशन चाहिए। अरे ये कैसा हड़ताल हुआ, हर संडे से तुम लोग घूमने जा रहे हो, ऐसी तो गलत बात है। मम्मा ऐसा छोटा मोटा नहीं, हमको कहीं दूर जाना है, जैसे कोई दूसरा कंट्री या फिर दूसरा स्टेट। हमको इधर और नहीं रहना है, हम पक गए घर में। हमको ऑटो स्टेशन जाना है। हमको जाना है। बस चुप। अब ये क्या बात हुई, आपको पता है ना अभी घूमने जाना सेफ नहीं है, अभी कम हो गए तो क्या हुआ? आपको पता है ना हम लोग घूमने जाएंगे तो थर्ड प्लेयर को इन्विटेशन देना हो जाएगा, ये बात तो गलत है। अरे मम्मा ये क्या बात हुई, हम लोग तो पूरे 2 साल से घर में बैठे हुए हैं, हम लोग सारे प्रिकॉशंस लेके ही अपना बाहर जाएंगे, हम लोग कोई भी बिल्कुल भी मास्क नहीं खोलेंगे। प्लीज चलो ना, हमको ऑटो स्टेशन जाना है। मम्मा आपके पास इसीलिए आए हैं क्योंकि आप ही कुछ कर सकते हो, पापा तो हमारी बात मानेंगे भी नहीं। मम्मा आपको चाहते तो ना प्लीज हमको कहीं घूमने जाना है। देखो घूमने जाने का मन तो मेरा भी है, लेकिन मुझे पता नहीं है करेक्ट है कि नहीं। अगर पापा तुम लोगों की बात मानते हैं तो ठीक है, वरना नहीं तो नहीं। अरे मम्मा ये क्या बात है, अब पापा को बोलोगे तो पापा जरूर सुनेंगे, पापा मेरे बेस्ट है। हाँ बेस्ट पापा है, तो फिर पापा को ही बोलो मेरे पास क्यों आए हो। एक काम करो, देखो कल संडे है, पापा पूरे दिन घर पे रहेंगे, तुम लोग पापा से बात करो, अगर पापा मान जाते तो ठीक है, नहीं तो नहीं। क्या करेगी अभी हम लोग? नहीं पता। दीदी आइडिया। क्या हो गया तुमको? दीदी पापा कल पूरे दिन घर में रहेंगे, कल हम लोग पापा की बहुत सेवा करते हैं, पापा खुश हो जाएंगे और हमको लेके चले जाएंगे, कैसे लगा आइडिया? ओवर एक्टिंग कम करो, तुमको क्या लगता है कि पापा को पता भी नहीं चलेगा?
पापा सभी समझ जाएंगे हमारा प्लान और हमें बिल्कुल भी नहीं रखे जाएंगे। दीदी ट्राई तो कर सकते हैं ना, और कोई ऑप्शन भी नहीं है। हाँ ये बात तो सही है, ट्राई तो कर सकते हैं। चलो कल का वेट करते हैं। पहाड़ तोड़ कर आए हो तुम लोग। अरे तो पापा को पटा रहे हैं। हाँ। दीदी देखो पापा न्यूज़पेपर में बिजी है। तो देखो मिशन पापा पटाओ जिंदाबाद। ठीक है। अरे पापा सुबह हो गई, आपको ब्रश करने ना, ब्रश करने थी ना, ये लो। हाँ चलो ब्रश। अरे ये क्या है? जमीन ठंडा है ना, इसलिए आपके लिए चप्पल, वरना आपको ठंड लग जाएगी। अरे वाह बहुत खातिरदारी हो रही है, चलो अच्छी बात है। मुझे पता चल गया है तुम लोगों को कुछ चाहिए, फटाफट बोलो क्या चाहिए, बोलो बोलो। पापा पर भी चाहिए। अच्छा पापा हम कहीं पे बाहर जाना, बहुत दिनों से नहीं गए, चलो ना कहीं पे चलते हैं। अरे पापा चलो ना हमको कहीं घूमने लगे, चलो ना स्कूल की छुट्टी भी हो गई, इतने दिन से तो गए ही नहीं है। अरे संडे लेके जाता हूँ ना पीको बाहर। अरे पापा संडे नहीं, हमको कहीं बाहर जाना है, जैसे आउट ऑफ स्टेशन। लाडू अभी बाहर जाना सेफ नहीं है। पापा प्लीज हमको लेकर चलो ना, हम लोग मास्क रहेगी कभी खोलेंगे नहीं और हैंड वॉश करेंगे प्लीज। अरे शांत मत करो प्लीज, चुप बस। काम करते हैं, वोटिंग करते हैं, जाना है नहीं जाना वो डिसाइड करेगा। हाँ हाँ वोटिंग करेक्ट है। अच्छा आइडिया है। ठीक है। हाँ ठीक है। वोटिंग कर लो। अगर वोटिंग में नो आया तो नहीं जाएंगे, बस बाद में जिद मत करना। ठीक है। ठीक है। चलो। Two hours later.
गुड मॉर्निंग। आहा छोटू गुड मॉर्निंग। चल छोटू उठने का टाइम हो गया। ब्रश टाइम। दिन में दो ब्रश करना चाहिए छोटू। फर्स्ट टाइम अपना ब्रेकफास्ट खुद बनाना चाहिए। ब्रेकफास्ट टाइम मम्मा मैं नहाने जा रही हूँ। आजा छोटू। मम्मा मैं छोटू को भी नहला दूँ क्या? छोटू पानी मत गिरा। मम्मा छोटू ने तो ऐसे ही पानी गिरा दिया, मैं और भर लूँ क्या? हाँ। मम्मा पानी तो बहुत ठंडा है। ठीक है मम्मा, मैं पानी गिरा देती हूँ, शावर से नहा लेती हूँ। आहा मजा आई। छोटू मैं तुमको साबुन लगाए तुम सुंदर हो जाएगा। छोटू अभी शैम्पू लगाऊं? तुम्हारे बाल एकदम मेरी तरह हो जाएगी शैम्पू लगाने से। ला 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 ला। अरे पानी क्यों बंद हो गया? मामा मेरा हाथ दुख रहा है साबुन से, जल्दी आओ। रुको मैं पानी लेकर आ रही हूँ। मोटर खराब हो गया था ना, इसलिए पानी नहीं आ रहा है। लो तुम लोग बाल्टी से नहा लो। छोटू मेरे ऊपर पानी डालो। एकदम चमक रहा है मेरा बाबू। मजा है मेरे छोटू को। बहुत ऐसे नहा रहे, चलो चलते हैं। बस छोटू हो गया। बार अच्छे से पोछो। छोटू बहुत नहा लिया, अब चलो। छोटू जल्दी चलो, कपड़ा भी पहनना है। सर अच्छे से पोछो। क्रीम लगाना जरूरी है। तेल भी लगाना जरूरी है। रब 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 रब। फिर से बहुत शाइनी होएगी। अब कपड़ा पहन के हीरो बनेगा। छोटू बाल बना पता है? छी छी पैंट में जल्दी। ये वाला पाओ तो। अब हो गया। चलो छोटू लूडो खेलते हैं। चीटिंग नहीं।
छोटू पापा आ गए। छोटू चल। आती हूँ बाबा। पापा आपका बहुत भारी होगा, मैं ले लेती हूँ। आज तो बहुत थक गया। पापा अगर आप थक गए होंगे तो मैं आपके लिए कुछ लाऊं क्या? कुछ पीने के लिए लाऊं? ठीक है। पापा पानी लाओ, सिकंजी लाओ। पानी ले आओ। ठीक है। पापा कांच के स्टील के ग्लास में लाऊं? कांच के ग्लास में ले आओ। ठीक है। आधा या पूरा लाओ? पूरा ले आओ। ठीक है। पापा ठंडा ना या गरम लाओ? अरे कुछ भी ले आ। ठीक है। पापा ये लो पानी। थैंक यू। छोटू आजा सोते हैं, आजा। दीदी पता छोटू ने बहुत ही पढ़ाई की है। दीदी दीदी आप सो गए क्या? नहीं क्यों? ये बारिश आता कहाँ से है? बारिश क्लाउड से। क्लाउड में पानी आता कहाँ से है? क्लाउड में बारिश से। ठीक है। दीदी पानी हमारे घर में कैसे आता है? लोग लेके आते हैं। ठीक है। दीदी सुनो ना, बाथरूम में पानी कैसे आता है? पाइप से आता है। ठीक है। अब सो जाओ। दीदी दीदी पानी खत्म कैसे हो जाता है? हम लोग ज्यादा यूज करते हैं तो खत्म हो जाता है। ठीक है। दीदी दीदी हमें कितना पानी यूज ही क्यों करते जब पानी खत्म हो जाता है? हाँ कल सुबह उठ के बैठ जाना, मैं बोल दूंगी, ये भी सो जाओ। ठीक है। दीदी दीदी उफ आओ मेरे साथ, मैं बताती हूँ। जब स्काई में बहुत सारे क्लाउड एक साथ हो जाते हैं तो उनमें बहुत सारा पानी होता है, वही पानी बारिश बन के नीचे ज़मीन पे गिरता है। ये पानी से नदी नाला भर जाता है, फिर वो पानी मशीन से लेकर क्लीन होके फिर अंडरग्राउंड पाइप्स की हेल्प से ये पानी हमारे घर में पहुंचाया जाता है। यही पानी बहुत सारे प्रोसेस में क्लीन होके निकलने के बाद अलग अलग पाइप से हमारे घर तक पहुंचाई जाती है। तभी तो ये पानी पीने लायक हमारे शावर में, हमारे बाथरूम में और कपड़े धोने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और बस इतना ही नहीं, तुम्हें पता है हमारे बॉडी में 70% पानी होता है और ऐसी बहुत सारी जगह है जैसे राजस्थान जिसमें बहुत ही कम पानी होता है। बस छोटू बस, बाकी पानी की बचत कल कर लेंगे। सोने का टाइम, बाय बाय।
क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम ऐसे क्यों बैठे हैं? आपने तो बोला था कि सुबह उठ के बैठ जाओ। अरे उठ गई तो मुझे क्यों नहीं जगाया? आपने तो नहीं बोला था आपको उठाने के लिए। यार क्या लड़की है ये। दीदी आप बोलो ना, पानी घर में कैसे बचा सकते हैं? उफ, ठीक है आओ मेरे साथ। ठीक है। कभी भी ब्रश करते टाइम टैप खुला नहीं रखना चाहिए, इससे बहुत पानी वेस्ट होता है। और फिल्टर से पानी भरने के बाद वो जो पाइप से पानी निकलता है उसे आप पौधे में या फिर पौधों में डाल सकते हैं, इससे बच्चे भी खुश और पौधे भी खुश। देखो ये पौधे कितने सुंदर लग रहे हैं। किसी को पानी देते टाइम या फिर खुद लेते टाइम सिर्फ आधा ग्लास ही भरे, इससे बहुत पानी बचता है। और शावर का इस्तेमाल कम से कम करने की कोशिश कर। तो देखा फ्रेंड्स, ऐसे होती है पानी की बचत। तो देखा फ्रेंड्स, इसीलिए हर रोज पानी को सोच समझ के यूज करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना। बाय। रेडी स्टेडी गो। दोपहर के एक बज चुके हैं, स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन 24/7 पंचायती में। चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी तोड़ में। कोरोना ने सिर्फ हिंदुस्तान को ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया को अपने चपेट में ले लिया है। ऐसे में पूरे देश में एक अजीबोगरीब बहस छिड़ी हुई है कि लॉकडाउन से कौन ज्यादा परेशान है। आज सुप्रीम कोर्ट में इसकी याचिका दर्ज की गई है। चलिए रुक करते हैं हमारे रिपोर्टर के पास इस पूरी घटना को और विस्तार से जानने के लिए। हेलो हेलो। पता कि सारी लेडीज बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गई थी, बच्चे भी बहुत परेशान थे, जेंट्स भी बहुत परेशान थे, और बहुत छोटे छोटे बच्चे जैसे 1-2 साल के भी, वो भी बहुत ही ज्यादा परेशान। इसलिए यही सवाल है कि क्या लॉकडाउन हटाना है, पर मोदी जी ने बात नहीं सुनी। जी 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 रिपोर्टर जी, मैं आपको एक बार रोकना चाहूंगी। हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी है महिला संगठन की चेयरपर्सन पिंकी कौर पंजाब से। पिंकी जी आज एक आवाज बन चुकी है पूरी महिला संगठन की। चलिए सुनते हैं कि आज उनका क्या कहना है। स्वागत है आपका पिंकी जी हमारे स्टूडियो में। बोले कि क्यों परेशान है आप लॉकडाउन से? देखिए कोई तरीका नहीं है, कभी चाय बनाओ, कभी पकौड़ा बनाओ, कभी कुछ कुछ बनाओ। पहले मैं 2 घंटा सोती थी पेपर को, अभी टाइम ही नहीं मिलता, पूरा दिन बस किचन। पहले मैं सीरियल देखती थी, सास भी कभी बहू थी, अभी रिमोट ही नहीं मिलता, रात को जाके मोबाइल में देखना पड़ता है। फ्रेंड्स लोग से तो बात ही नहीं होता कभी, सारे लोग घर में बैठे रहते हैं। मैं चुगली कैसे करूँ? सबसे ज्यादा तो हम लेडीज परेशान है। मैं इसके खिलाफ कंप्लेन करूंगी, मैं सबको लेकर जाऊंगी जेल में। मैं परेशान हो गई, क्या हम पूरा दिन काम करें? मैं किटी भी नहीं जाती, बच्चे पूरा दिन घर में परेशान करते रहते हैं। हस्बैंड भी बोलते ये करो वो करो, काम वाली बाय भी नहीं आती। जी जी पिंकी जी, मैं आपको एक बार रोकना चाहूंगी। अभी चलिए रुक करते हैं मुंबई, जहाँ पे हमारे साथ जुड़ चुके हैं पिंटू शर्मा। पिंटू शर्मा, क्या है आपकी शिकायत? क्या वो परेशान है? सबसे ज्यादा तो हम परेशान है भैया, पूरा दिन बस चाय बनाओ, बच्चों को संभालो, बिस्तर सजाओ, खाना बनाओ, क्या क्या कर रहे हम लोग। सरकार बोलती है घर पे बैठो, बीवी बोलती है बाहर जाओ, बच्चे बोलते हैं पार्क में लेके जाओ, कहाँ कहाँ घूमे भैया? हमारे यहाँ ना धोबी क्या कुत्ते के तरह हो गई, ना घर का ना घाट का, परेशान करके रखती है। मोबाइल में पूरा दिन क्रिकेट देख के हमारी आंखें भी खराब हो गई है, कोई पूरा दिन टीवी के सामने बैठ सकता है भला? अब तो बस लॉकडाउन उठा, हमको जाने दो भैया, बीवी का ताना सुन सुन के हम तो थक गए।
हम मर्दों से ज्यादा कौन परेशान है भैया? ऐसे लॉकडाउन चलता रहा ना, हम पूरे मतलब रास्ते पे आ जाएंगे। और वो बोलते कि वो परेशान है, सारा काम हम करें, सारा काम हम ही करेंगे, और हमको उल्टा बातें सुना के चली जाती है वो। कभी झाड़ू पोछा, कभी ये करो, कभी वो करो, सारा काम हम ही करेंगे। हर कोई इज्जत ही नहीं है। जी पिंटू शर्मा, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ जुड़ चुकी है बॉलीवुड की बहुत ही बड़ी स्टार प्रीतिका पादुकोण। प्रीतिका जी, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। बोले कि आपका क्या कहना है लॉकडाउन के बारे में, क्यों परेशान है आप? जी शुक्रिया। लॉकडाउन से तो मैं ही परेशान। मैं किरण हूँ और मेरी फिल्म रिलीज नहीं हो रही है। मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत परेशान हूँ। मैं कपड़े करूँगी इसके आगे। शुक्रिया। जहाँ पर सब लोग इतने दुखी है, क्या ये आपका बड़ा रीजन है? ये बात सच है, बट मैं क्या करूँ, मेरी फिल्म रिलीज नहीं हो रही। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं क्या करूँ, मैं बहुत परेशान। जी, इसी बीच हमारे पास आ चुकी है एक बच्चे की दिल दहला देने वाली तस्वीर। क्या कहना चाहता है ये बच्चा, कौन है ये बच्चा, क्यों इसकी आंखों में इतनी नमी है, क्या है इसकी स्टोरी? आइए चलिए देखते हैं इस पूरे वीडियो को। पहले इसी विषय में हमारे साथ चर्चा करने के लिए जुड़ चुके हैं हमारे स्टूडियो में डॉक्टर फुनसुक जी। डॉक्टर, आपको हमारी आवाज सुनाई दे रही है? जी डॉक्टर बोलिए, क्या लगता है ये बच्चा क्यों परेशान है, और कौन है ये गुड्डू, क्यों ये एक ही बात को बार बार दोहरा रहा है, क्या है इसकी कहानी? ये बच्चा लॉकडाउन से बहुत परेशान है। जहाँ तक मुझे लगता है, इस बच्चे की मानसिक हालत पर बहुत बुरा असर पड़ा है। ये किसी से मिल नहीं पाता, इसलिए बहुत परेशान है। जी, ये खाली अपनी दीदी गुड्डू को जानता है, इसलिए ये खाली गुड्डू 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 करता रहता है। डॉक्टर, क्या ये नहीं हो सकता कि ये बच्चा सिर्फ एक 1.5 साल का बच्चा है, ये अभी सिर्फ बोलना सीख रहा हो, ये खाली थोड़ी सी ही बातें जानता है, इसलिए खाली गुड्डू बोलता है? हाँ ये हो सकता है, पर अगर ये बच्चा छोटा है और नॉर्मल है तो हम लोग इससे बहस किस बात की करें भाई? तो हम लोग यही बोलेंगे कि ये बच्चा लॉकडाउन से भुगत रहा है और इसकी मानसिक हालत अच्छी नहीं है, ये बहुत परेशान है, ये बहुत परेशान। जी डॉक्टर, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। एक बच्चा हमारे साथ जुड़ चुका है और उसे भी कुछ कहना है इस लॉकडाउन के बारे में, क्या बोलना चाहता है वो, क्यों परेशान है वो? ऑनलाइन क्लास पसंद नहीं है, रोज करना पड़ता है, कभी जब भी पापा कभी काम करते हैं कैमरा में दिख जाता है, मम्मा पापा एक दूसरे को डांटते हैं वो भी दिख जाता है, कभी अगर मैं ऑनलाइन क्लास करती हूँ तो पापा नहा कर आ जाता है चड्डी में, वो भी क्लास में दिख जाता है। मेरे सारे फ्रेंड्स हंसते हैं, मम्मा कभी क्लास के टाइम में खाना खिला देती है, मेरे को अच्छा नहीं लगता, घर में पूरे दिन कोई काम नहीं होता, पूरे दिन बस मेरे को गेम खेलता पड़ता है, मोबाइल में देखना पड़ता है, मेरे को लॉकडाउन अच्छा नहीं लगता। कभी तो मेरी मम्मा का काम होता है तो ज्यादा तो मेरी बहन मिल जाती है, मेरे को तो स्कूल ही जाना पसंद, मैं तो परेशान हो गया। प्लीज कुछ करो मोदी जी। मैं आपको एक बार रोकना चाहूंगी, अभी वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। दोपहर के 2 बजे, सबकी अपनी अपनी कहानी है, सब परेशान है, कई पिंटू शर्मा है इस हिंदुस्तान में तो कई प्रीतिका पादुकोण, सबके अपने अपने दुख, सबके अपने अपने स्टोरी। हम कोशिश किए हैं जनता की आवाज आप तक पहुंचाने की। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे के न्यूज जानने के लिए देखते रहिए रेडी स्टडी को। धन्यवाद फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। बाय। अच्छा पिता, अच्छा पिता, अच्छा पिता।
जैसे कि आपने देखा था कि पीकू को टाइम मशीन मिला जिससे वो पास्ट और फ्यूचर में चली गई, बट वो 2016 में फंस गई जहाँ उसके मामा उसको नहीं पहचान पाए और उसको घर से निकाल दिया। अब आगे क्या होएगा अभी मेरा, अब मैं वापस कैसे जाऊंगी? कुछ समझ नहीं आ रहा, ऐसा क्यों हुआ मेरा साथ? क्या हुआ बेटा, तुम यहाँ पर क्यों बैठी हो? आप कौन हो दादी, क्या आप मेरे को पहचानते हो? हाँ पहचानती हूँ, तुम दुनिया की सबसे प्यारी लड़की हो ना, पर तुम यहाँ पर अकेली बैठकर क्यों रो रही हो? मुझे नहीं पता मैं इधर क्यों, बट मेरे को वापस घर जाना है, बट मेरे को रास्ता नहीं पता। क्या आप मदद कर सकते हो दादी? तुम खुद ही अपनी मदद कर सकती हो बेटा। कैसे? कोशिश करो कि कोई हमसे ना रूठे, जिंदगी में अपनों का साथ ना छूटे, रिश्ता कोई भी हो उसे ऐसा निभाओ कि उस रिश्ते की डोर जिंदगी भर ना छूटे। इसका क्या मतलब हुआ दादी? जब दिमाग के सारे बंद दरवाजे खुल जाएंगे ना, तभी बंद मुट्ठी भी खुल जाएगी। जिंदगी में अपनों का साथ वो क्या होता है? फैमिली है मेरे अपने, मैं को उनसे दूर नहीं जाना चाहिए था, मुझसे गलती हुई है, मैं को दीदी और मामा से रलाई नहीं करना चाहिए था, मैं अपने फैमिली से दूर गई, इसलिए मेरी किस्मत मेरे से रूट गई। मैं को समझ आ गया दादी। दादी दादी दादी, अरे दादा आप किधर गए, किधर हो आप? दादी दादी, अरे ये खुल गया। अरे तो मेरे ही रूम है। अरे पीकू कहाँ थी, आ जाओ चलो खाना खाते हैं। और हाँ आई एम सॉरी। अरे क्या हुआ, क्यों क्या हुआ? अरे पीकू क्या हुआ? आई एम सॉरी दीदी। नहीं ऐसी बात नहीं है, गलती मेरी भी थी, मेरे को भी तुम्हारे साथ लड़ना नहीं चाहिए था, आई एम सॉरी। इसे तुम ऐसे चलेगी। क्या ज़्यादा लंबी है?
हाय फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि पूरे वर्ल्ड में 8.7 मिलियन स्पीशीज ऑफ एनिमल्स पाए जाते हैं, जिसमें 80% अब तक अनडिस्कवर्ड है। हाँ, उसमें से बहुत सारे एनिमल्स देखेंगे, बहुत ही मजा आएगा। तो चलो साथ में देखते हैं जू। बाय। सफारी वो प्लेस होती है जहाँ पे एक एनक्लोजर में एनिमल्स दिखाए जाते हैं और बिल्कुल सेफ है। इतना बड़ा जंगल। फ्रेंड्स, सारे बहन ने हमारा रास्ता रोक लिया और हमने इन्हें कैमरा में रोक लिया। मम्मा, आपको पता है मैंने उस ट्री के पीछे कुछ देखा? मुझे कुछ तो एनिमल देखा। हाँ, उसके पीछे है जंगल का राजा। मम्मा, मैंने पहली बार व्हाइट टाइगर देखा है जिंदगी में, वो भी इतना सुंदर। क्या मजा आया फ्रेंड। फ्रेंड्स, अभी हमने सफारी देखा, तो अभी हम लोग जो पैदल देखें। हाँ, चलो 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 चलो। फ्रेंड्स, एनिमल देखने का असली मजा तो जंगल के बीच आके ही मिलता है। इतनी ग्रीनरी और इतने सारे एनिमल्स एक साथ, मजा आ गया। क्या आप बता सकते हो यहाँ पे क्या दिखेगा? बताओ, सोचो सोचो सोचो। करेक्ट, जिराफ। अभी मैं जिराफ देख ली। हम जिराफ बहुत दूर से देख ही नहीं रहे, बट अभी मैं जिराफ देख रही हूँ। तो अभी देखते हैं, अभी क्या देखते हैं? देखते पूरा जू है, तो चलिए आगे। फ्रेंड, टाइगर हमको जंगल के ओपन एरिया में मिला जो बहुत ही डेंजरस था। ओह, टाइगर डेंजरस है। अच्छा अच्छा, इसलिए आप दोनों उसके साथ फोटो खिंचा रहे थे। ज्यादा बड़ा होता है।
फिर तो हम लोग सफर ही नहीं करने से चलो। ये सारे एनिमल्स कोई करतब दिखाएंगे, जैसे जंप करेंगे भागेंगे, पर तो कुछ भी नहीं किया। इससे ज्यादा अच्छा बंदा तो हमारे घर में ही है। एनिमल्स देखे, हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती है। जैसे हमें कभी भी एनिमल्स को खाना नहीं देना चाहिए और उन्हें तंग नहीं करना चाहिए। हमें एनिमल्स की जो फेंसिंग होती है उससे कभी भी क्रॉस नहीं करना चाहिए, यह बहुत डेंजरस हो सकता है। और हमें साइलेंस मेंटेन करना चाहिए वरना एनिमल्स डर जाते हैं। हमारा नेचर बहुत ही सुंदर है, इसे हमें प्लास्टिक यूज करके या फिर पेड़ पौधे तोड़ के खराब नहीं करना चाहिए। बहुत ही वापस आई, फिर भी
सुंदर छोटे फैनी लेती हूँ। हाय फ्रेंड्स, आपको कैसा लगेगा कि आपके पास ऐसा कोई हेयर बैंड है जिसके बाद आप सबके मन की बात सोच सके? तो फ्रेंड्स देखते हैं आगे की वीडियो, बहुत ही मजा आएगा। घर जाना था उसको लेने। अरे चलती हूँ। आंटी आंटी, नव्या है या घर में? मैं को उसके साथ खेलना है। हाँ बेटा है ना, बैठे यहाँ पे। और पीकू कैसा है तुम? कैसी चल रही तुम्हारी सारी पढ़ाई? ठीक। इसकी मम्मी बोलती है कि मेरी बेटी बिगड़ी हुई है और पूरा दिन तो ये खुद घूमती रहती है। आंटी आपने कुछ बोला? नहीं बेटा, मैंने तो कुछ नहीं बोला। अरे नहीं बेटा, वो नव्या है ना, खेलने नहीं आ पाएगी। वो क्या है ना, उसको इस बार फर्स्ट टाइम है एग्जाम, इसलिए वो खूब पढ़ाई कर रही है। बोल देना तुम अपनी मम्मी को। ठीक है आंटी, चलती हूँ, बाय। हाँ आ रही हूँ। मम्मा दीदी है कि घर में? मेरे को दीदी को कुछ दिखाना है। अंदर। ठीक है दीदी। दीदी पता है मुझे क्या मिला? आज मम्मी पापा बाहर जाने वाले हैं, घर पे कोई नहीं रहेगा। मैं अपने फ्रेंड्स को बुलाकर पार्टी कर सकती हूँ ना? हाँ अच्छा आइडिया है, बट इस पीकू का क्या करें? वो तो सब कुछ जाके मम्मी पापा को बोल देगी, उसका कुछ करना पड़ेगा। दीदी की ये प्लानिंग चल रही है, आप ही बताती हूँ पापा को। पीकू मेरी सबसे प्यारी बेटी है, सोचता हूँ उसके लिए कोई गिफ्ट लेके आऊं, बट वो बहुत जिद्दी हो गई है, किसी की बात नहीं सुनती। गिफ्ट लाऊं या नहीं लाऊं? नहीं, कोई गिफ्ट नहीं दूंगा। तभी वो समझेगी, यही करता हूँ। मम्मा आप कुछ खाने के लिए दो ना, बहुत भूख लग रही है। ये पीकू तो आजकल पूरा दिन खेलती रहती है, मेरी कोई भी बात नहीं सुनती है। उसके बहुत कंप्लेंट्स भी आ रहे हैं स्कूल से। क्या करूं, क्या उसे हॉस्टल में डाल दूं? शायद हॉस्टल में अकेले रहेगी ना, तो थोड़ा मैनर्स भी सीख जाएगी और पढ़ाई भी कर लेगी। अगर इसके इस बार अच्छे नंबर नहीं आए ना, तो हॉस्टल में ही डाल दूंगी। अच्छे मार्क्स तो लाने ही पड़ेगी, मानो तू तो गई हॉस्टल, अब तो पर अच्छे से करनी ही पड़ेगी। खेलना बंद, शुरू हो जा पिकू। Oh.
पिकू उठ जाओ, पढ़ना नहीं है। वन वन रवन, वन वन लड़की, वन वन बसी, वन वन सफर, वन वन अनार, ओ से आम, ई से इमली। मेरा कब खत्म होएगा एग्जाम? ओ से अनार, आई से आई, ओ से अंडे। ओ ओ सॉरी, हाँ अंडे, आपको आपको मम्मा से बात करनी है। हाँ देती हूँ, बट आंटी आपको पता है कि A for apple, B for ball। अभी मैं मम्मा को देती हूँ। मम्मा, पहले क्लास ज्वाइन करती हूँ। तो मेरा एग्जाम बहुत ही अच्छा गया। मैम मेरा एग्जाम तो बहुत ही अच्छा गया, आपने तो बहुत अच्छा क्वेश्चन लिया था, मैंने तो इजी में दो चुटकी में सॉल्व कर दिया। थैंक यू मैम। अरे पीकू, तुम्हारे मार्क्स तो बहुत अच्छे रहे। सच में? मामा आज मेरे को चाहिए हलवा और समोसा, मोमो और पास्ता। ठीक है, तुम्हारे सारे फेवरेट डिशेस बनाएंगे। और स्माइली भी। ठीक है, चले। और हाँ पापा, मेरे एग्जाम तो बहुत अच्छे गए, आपको मेरे को शायद कोई सरप्राइज गिफ्ट देना था, अभी आप मेरे को दे देते हो। तुम कैसे पता? ऐसे ही। आपने देखा था पीकू ने कार्ड बनाया था, बट किसी के पास टाइम नहीं था तो वो सैड होके घर छोड़ के चली गई थी। अब आगे मैं खा जो लेफ्ट जाऊं या राइट जाऊं? अभी खा लेती हूँ ना, बाद में भूख लगेगी। इसका स्वाद अच्छा है। अभी चलती हूँ। इतने सुंदर प्लांट्स। इधर क्या है?
कितना सुंदर गार्डन है। वाह इतने सुंदर फ्लावर। है गर्मी। वाह इतना सुंदर है पिट्टू उधर। हाउ क्यूट। हुफ इतनी गर्मी है यहाँ पे। अचानक से ये क्या हो गया? मेरे को डर लग रहा है। वो कितनी ठंड लग रही है। वाह इतना सुंदर रेनबो निकला है। मैं किधर जाऊं, मैं क्या करूं? तितली मेरे घर चलेगी? सुंदर तितली है। अरे उधर सिक्योरिटी, उनसे बात करती हूँ। अंकल आप मेरे पापा को कॉल कर दोगे क्या? नहीं मेरे पास नंबर नहीं है उनका। मैं आपको बोल देती हूँ। ठीक है नंबर दो, तुम वहाँ बैठ जाओ। मेरे को घर के बहुत याद आ रही है। तब पापा मेरे को लेने क्यों नहीं आए? पापा, पापा मेरे से सैड हो क्या? नहीं तो। मामा और दीदी जरूर गुस्सा होंगे, मेरे को तो डर लग रहा है। सरप्राइज। वाओ थैंक यू। उधर देखो। वाओ थैंक यू छोटू। मम्मा वाओ। हमारी फैमिली इतनी अच्छी है ना? देखो फिर फैमिली इतनी अच्छी होती, इसलिए कभी फैमिली को छोड़ के नहीं जाना चाहिए। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। बाय। क्या कर रही है सब? आज मेरा बर्थडे है, यानी मेरा दिन। जो मैं बोलूंगी वो सबको सुनना पड़ेगा, यानी मेरी नहीं बात सुनने की सोचना भी मत। और आप जाओ और मम्मा को भेजो। ठीक है मैं मम्मा को बुला लूं। मम्मा पीकू आपको बुला रही है।
क्या है पीकू, बुलाया मेरे को? मम्मा मेरे खाने में बस हलवा और पूरी बनेगा। दीदी आप मेरा घर साफ करोगे और आप मेरे पाँव दबाओगे और मामा आप मेरा पराई करोगे। अब मैं नहाने जा रही हूँ। दीदी मेरा टॉवल और कपड़ा निकालो। दीदी अभी मैं नहाने जा रही हूँ, अभी मेरा पूरा बर्थडे का डेकोरेशन तैयार होना चाहिए। ठीक है। आब्रकडाब्रा गिली गिली छू छी। ये भी अच्छा नहीं। पिंक 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 आब्रकडाब्रा गिली गिली। छी 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 सबसे सबसे गंदा। चार कप बजेंगे, मेरे फ्रेंड्स कप आएंगे। हाय पीकू, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। अरे तुम लोग कैसे हो? लॉकडाउन में तो तुमको मिलना ही नहीं होता है। अब चाइना ने तो पूरा बना दिया है इसमें और तुम लोग आए थर्ड लेयर भी आ गया। और तुम लोग आए कैसे लॉकडाउन में और कोरोना में? तुम लोगों ने पता कि 20 लोग से अलाउड नहीं है? मोनी बोदी जी ने बोला है बर्थडे पे नहीं आए। ठीक है हम चले जाते हैं। हाँ। अरे यहाँ पर तो कोई नहीं है, बस हम दोनों हैं। ये क्या पीकू, तेरे बर्थडे पे तो कोई भी नहीं है, बस हम दोनों हैं। अभी तो 20 लोग से अलाउड ही नहीं है। अरे हम दोनों 20 लोग से कम है क्या? तू 10 हम 10। अभी तुम तो इतने छोटे में तो 8 इयर्स की हो गई। अरे यार वो लॉकडाउन हो गया ना इसलिए मैं 6 इयर्स की हो गई, वरना मैं 8 इयर्स की हो जाती। अरे यार ये तो पार्टी है, इसमें तो डांस ही नहीं है। चलो थोड़ा डांस ही कर लेते हैं ना बात।
लिया, डांस कर लिया, खेल लिया, बट केक कब कटेगा? हाँ, केक कट कटेगा यार। हाँ यार। अरे पीकू केक तो ला। हाँ मैं लाती हूँ। दीदी केक किधर? केक इतना आसान नहीं है ढूंढना। उसके लिए करना पड़ेगा कुछ काम। टिमटिम ये है केक ढूंढो और खाओ। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? आज है बर्थडे, काटना है केक। तू शुरू हो जाओ ट्रेजर हंट के लिए बिना लिए कोई ब्रेक। ये क्या है? ट्रेजर हंट। एक और है, देखते हैं। तू कौन? मैं पढ़ती। देखो इधर। लिए जाते हैं मेरा नाम कोई भी काम के पहले। मैं हूँ दुनिया में सभी स्ट्रॉन्ग जोड़ हाथ मेरे सामने है। भगवान क्या होता है। मैंने तो जंक फूड कभी देखा ही नहीं।
बहुत लेट हो गए, चल मैं चलती हूँ, ये कर लेते हैं। टिंग 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 टिंग, बाय बाय, मैं चलती हूँ। अरे नहीं नहीं देखो ना, थोड़ा अलमारी ठीक कर रही हूँ, कितने सारे कपड़े हो गए, रह रहे के पुराने हो गए। अरे मम्मा इतने पुराने कपड़े रखे क्यों, निकाल दो या फेंक दो। इतना महंगे कपड़े छोड़ दो। मम्मा उसमें क्या, पापा तो पैसे कमाते हैं, उनसे पैसे लेकर खरीद लेना कपड़े। तो पैसे कमाना इतना आसान थोड़ी ना है बेटा, मेहनत करते हैं तब आते हैं ना पैसे। तो मम्मा हमको तो हमारे सारे सामान है ना बिना मेहनत के ही मिल जाते हैं। मैं पापा को जो लाने के बोलती हूँ, पापा तो घर से ला देते। आप भी पापा को बोलो, अभी आपको दिला देंगे। वैसे पैसे तो आप भी कमा सकते हो। अरे कैसे, हम तो बच्चे हैं। बच्चे हो तो क्या, फिर भी कमा सकते हो। चलो एक गेम खेलते हैं, आपको मैं कुछ टास्क देती हूँ, आपको टास्क कंप्लीट करो और उसके बदले मैं आपको पैसे दे दूंगी, और उस पैसे से हम लोग कुछ भी खरीद सकते हैं। हाँ मम्मा, हम लोग क्या काम करें, हम तो बच्चे हैं। तो घर का ही काम कर लो। देखो दीदी बड़ी है तो डिनर फिनिश होने के बाद किचन का पूरा काम दीदी करेगी, जैसे स्लैब साफ करना, मिल्क बॉयल करना, फ्रिज में रखना, ये सब एक्स्ट्रा काम। और पीकू छोटी है तो पीकू रूम साफ करेगी, हॉल साफ करेगी, टॉय शेल्फ में रखेगी, कपड़ा फोल्ड करेगी, बिस्तर लगाएगी, ये सब एक्स्ट्रा काम बस। पर मम्मी ये सब तो बहुत ही आसान काम है, ये सब तो आप हर रोज ही करते हो, इसमें क्या बड़ी बात है, हम तो ये सब चुटकी में कर लेंगे। आसान काम। तो चलो इस गेम में ट्विस्ट डाल देते हैं। सारा काम खुद करना पड़ेगा, अगर बीच में कोई भी प्रॉब्लम आए उसको खुद सॉल्व करना पड़ेगा, आप किसी की हेल्प नहीं ले सकते। मामा हमको हेल्प चाहिए भी नहीं, ये बहुत ही आसान काम है। वही तो। मम्मा इसमें ट्विस्ट क्या हुआ? ट्विस्ट ये हुआ कि आपको जो पैसे कमाओगे उस पैसे से आप कुछ भी गिफ्ट खरीद सकते हो, और दोनों का गिफ्ट में से जिसका गिफ्ट सबसे अच्छा हुआ उसको मेरी तरफ से एक और गिफ्ट मिलेगा। यस यस यस, हम लोग ये चैलेंज एक्सेप्ट है। ये टेस्ट तो मैं जीतूंगी, ये टेस्ट तो मैं जीतूंगी, मैं चैलेंज देख लेंगे, ठीक है? सालों को बता कि मैं जीतूंगी। गेम कोई जीतो, लगता है मुझे एक दिन का आराम मिलेगा या नहीं। लीडी दीदी आपको क्या लगता कि मामा ने हमको इतना इजी चैलेंज को दे दिया है? अरे कोई बात नहीं, तुम मैंने ऐसे ही दे दिया होगा। अरे यार अभी बहुत टाइम है, चलो कुछ खाएं। चलो दीदी दीदी अभी बहुत लेट हो गए, चलो घर साफ करते हैं। ठीक है पीकू, तुम है ना हॉल साफ करो पूरा और मैं किचन साफ करती हूँ। अरे यस किंग कर लेती हूँ। अरे पीकू गेट खोलो। दीदी मैं नहीं खोलती थी। गेट खोलो ना। खुद खोलो ना। यार तो कोई गेट नहीं खुलेगा, मुझे ही खोलना पड़ेगा। Meanwhile, आई राम उनकी कितनी गंदी हालत है। उन्होंने क्या हालत कर दी? Later.
डर यार, क्या हो गया मुझसे, तो पूरा दूध गिर गया। मम्मा डांटेगी अब। पहले इसको साफ कर लेती हूँ। A few moments later. मम्मा, हमने घर का सारा काम कर लिया। अरे वो तो बहुत अच्छी बात है, पर तुम लोगों के चेहरे क्यों लटके हुए हैं? मम्मा, हमने आपका काम का मजाक उड़ाया, सॉरी। वो मम्मा, आप सारा काम हमको बिना बोले कर लेते थे इतनी आसानी से, तो मुझे तो लगा कि आपका काम बहुत ही आसान है, तो सॉरी मम्मा। तुम लोगों को समझ में आया, यही अच्छी बात है। अब ये लो तुम लोगों का गिफ्ट। आइए तुम्हारा। फ्रेंड्स, मम्मी लोग ना सच में बहुत ही मेहनत करते हैं, पर हमको तो हमारी मेहनत की कमाई मिल गई। अब हम खरीदे इससे कुछ गिफ्ट, और क्या गिफ्ट ये सब आपको पता चलेगा हमारे नेक्स्ट स्पेशल एपिसोड में। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो फिर लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय।
कान खोल कर और आईज खोल के देखे थे। मैंने देखा था कि मेरा पूरा बुक्स वापस जोड़ा। मैंने बोल क्या कर रहे हो, आता नहीं क्या तुमको? तुम लोगों को और कोई काम नहीं? मम्मा अगर आप इसको कुछ जल्दी नहीं करोगे तो इसके साथ अच्छा नहीं होगा, तुम परेशान करता है। मम्मा कभी भी हमारे लड़ाई होते तो भी आप कभी भी दीदी के साथ लो तो कभी छोटू पता फीडबैक दीदी के साइड ले तो। मम्मा मेरी कोई गलती नहीं, मैं आपसे बात नहीं करूंगी। नहीं मम्मा आप तो हमेशा इसका ही साइड देते थे। दीदी मैं आपसे बात नहीं करी, मैं जा रही हूँ। हाँ जाओ यहाँ से, मुझे भी तुमसे बात नहीं करनी। घर में सब लोग ही मेरे से लड़ाई करते हैं, कोई मेरी बात नहीं सुनता। दीदी तो पूरा दिन लड़ती है और मम्मी भी मेरी बात नहीं सुनती। अरे वो क्या चीज है वहाँ पे, बहुत ही चमक रही है, जाकर देखती हूँ। अरे ये क्या है, कितना चमक रहा है। यहाँ पर तो कोई नहीं है, फिर ये किसका होएगा? वाह कितना सुंदर है ये, यहाँ पर कौन गिरा कर गया है? अगर दीदी होती तो बोल बोलते ये मैंने ही गिराया। अरे लगता है कि बारिश होने वाली है, मैं जल्दी से घर चले जाती हूँ। मामा मैं घर वापस आ गई। मामा मैं सो रही हूँ। अरे ये क्या हो रहा है, सब कुछ हिल क्यों रहा है? वाह ये कितनी सुंदर जगह है, ये कौन सी जगह है बट? अरे वहां पर एक चेयर है, वहां पर जाकर बैठ जाती हूँ। अरे ये हिल क्यों रहा है? अरे मैं कौन से जगह में आ गई? हाय
कितना बुरा जवाब है। अरे यहाँ पर आंख कैसे चल रहा है, पर तो कोई नहीं है। आज तो पता नहीं बहुत ही गर्मी हो रही है, मैं तो सनग्लासेस पहन के जा रही हूँ कॉलेज। बाय मम। मैं हेलीकॉप्टर नहीं अपनी वाली नई रेड कार लेकर जा रही हूँ। बाय मामा। अलेक्सा क्लोज द गेट। अरे मेरे साथ क्या हो रहा है? शायद ये मेरे मैजिकल के चेयर के वजह से हो रहा है। चलो वापस चलती हूँ। अच्छा नहीं लग रहा, मैं वापस जा रही हूँ। अरे खोल तो मेरा, मैं मामा के जाकर बोलती हूँ। चलो कुछ बनाते हैं।
कार्ड तो अच्छा है, मम्मा पापा को अच्छा लगेगा। छोटू इस कार्ड को अलमारी में छुपाए। तो छुपाते, चलो मम्मा पापा को बुलाती हूँ। मम्मा। नहीं बेटा अभी नहीं, मुझे बहुत काम है। चुपचाप चलो पापा के पास चलते हैं। पापा चलो ना। नहीं अभी नहीं, काम है मेरे को, हट जाओ। नहीं अभी नहीं, बाद में करते हैं, अभी ऑफिस का काम है मेरे को, अभी ऑफिस का काम है। किसी के पास मेरे लिए टाइम नहीं है। छोटू पता है हमने इतने मनों से कार्ड बनाए मम्मा पापा के लिए, कोई देख ही नहीं रहा है। किसी के पास मेरे लिए टाइम नहीं है। मम्मा तो अपना खाना बना रहे हो, पापा तो अपना ऑफिस का काम कर, और दीदी दिन भर अपना पढ़ाई करती रहती है। छोटू मुझे तो बात बता दो, तो किसको बोलेगा तो नहीं। छोटो अगर मैं घर छोड़ के चले जाऊँ तो मम्मा पापा और दीदी मेरे को ढूंढेंगे क्या? मैं क्या करूँ? मेरे को बहुत बुरा लग रहा है। मेरे को तो लगता है कि मैं घर छोड़ के ही चले जाऊँ। मैं काम करती हूँ कि मैं घर छोड़ के ही चली जाती हूँ। चलो बैग निकालती हूँ। अच्छा बैग भी है, मेरा फेवरेट कलर भी है, ये बैग ठीक रहेगा। मैं कौन सा टॉय लूं? हाँ मैं पहन के जाऊंगी और ये बैग में रखूंगी। मैं कौन सा हार पहन लूं? हाँ मैं पहनूंगी और इसे बैग में रखूंगी। मैं ये वाला चश्मा लेती हूँ। मैं कौन सा कपड़ा लूँ? मैं ये वाला और ये वाला ले लेती हूँ। छोटू मैं तुम्हें नहीं लेकर जा सकती हूँ, तुम्हें घर का भी ध्यान रखना है।
फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। बाय। हाय, आई एम मानसी। हाय, आई एम सिया। और आज हम लोग बनाएंगे एक वीडियो। मम्मी, ये वीडियो बनाना है ना, हमको यहाँ पे क्यों बैठा दिया? क्योंकि आज हम लोग करने वाले हैं वीडियो नहीं, एक चैलेंज। चैलेंज? हाँ, चैलेंज। आज हम लोग करेंगे एक रेनबो चैलेंज। रेनबो के जितने कलर्स हैं उतने फूड आइटम्स हैं, और जिसके पास जितने फूड आइटम्स आएंगे वो खाने पड़ेंगे। और चैलेंज है मतलब नो, बोल नहीं सकते, जो भी आएगा वो खाना है। चैलेंज एक्सेप्ट? यस। पहले बताओ, रेनबो के कलर्स कितने होते हैं? सेवन। और क्या क्या है? रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। वाह, सब जानते हो। ओके, फर्स्ट कलर क्या है? रेड। और रेड कलर बनता कैसे है? येलो और ऑरेंज। ओके, आप दोनों गलत हो। रेड बनता है पिंक और येलो कलर से। हाँ, मैंने बोला था। ओके, सो आप दोनों को दो कलर के फूड आइटम्स मिलेंगे, एक पिंक एक येलो। अब आप दोनों एक दूसरे के साथ चूज कर सकते हो कि किसको कौन सा कलर चाहिए। कैसे चूज करना है? रॉक पेपर सिजर्स कर लो। पिंक। ओके, ऑरेंज, पिंक एंड येलो। ओके, ये तुम्हारा पिंक और ये तुम्हारा येलो। हिमांशी का तो फेवरेट है, रोज खाती है, आज भी मिस नहीं हुआ। रेड के बाद कौन सा कलर आता है? ऑरेंज। कलर बनता कैसे है? येलो किसको मिला है? और येलो कलर को ओपन नहीं करना। चलो ओपन करो। खाना ही पड़ेगा। नहीं, फास्ट फास्ट। अच्छा, नेक्स्ट कलर क्या है? येलो। येलो, येलो कैसे बनता है? येलो, येलो रोटी पेलो। येलो, ऑरेंज और इससे बनता है। वेरी गुड, तुम लोग जाके क्लास वन में भर्ती हो जाओ। येलो और ब्लू, रेड और ग्रीन। रेड और ग्रीन से येलो बनता है? मैंने तो आज तक नहीं देखा। ठीक है, चलो अब बताओ कौन किसको कौन सा कलर चाहिए। क्या कलर चाहिए? रेड। हिमांशी को क्या कलर चाहिए? ग्रीन नहीं चाहिए। रेड। ठीक है, ग्रीन और रेड। शफल करके इसमें कौन सा है? इसमें रेड। हाँ, उसमें ग्रीन है, इसमें रेड है।
आंटी मिर्ची। मिर्ची खाने का जरूरत नहीं है, I'll change it. It was just to give me. तुमको वो मिर्ची नहीं, तुमको मिलेगी शिमला मिर्ची। क्योंकि मैं नहीं चाहती आपका मुंह जले, so you have to consume शिमला मिर्ची। मिर्ची तो होएगी। Wow, it's so tasty, Nasia. Juicy, juicy. Wow. येलो के बाद कौन सा कलर आता है? ग्रीन। ग्रीन, वेरी गुड। ग्रीन, ब्लू और येलो से बनता है। नहीं, क्या कलर चाहिए, किसको कौन सी कलर चाहिए? मैं येलो नहीं लूंगी, कुछ भी लूंगी। ब्लू। येलो खा लेना। नहीं खा रही येलो। मैं ब्लू। मैं ब्लू। मैं ब्लू। ये लड़की है। ये ब्लू है, ये ब्लू है। किसका ब्लू है? मैं, मेरा ब्लू। एक काम करते हैं, इसको ना इसके अंदर स्मूदी बना के पी लेते हैं, बन जाएगा ना। क्या कौन सा कलर था? ग्रीन। ग्रीन कलर, ग्रीन कलर का स्मूदी बन जाएगा। अभी नेक्स्ट कलर कौन सा है? ब्लू। क्या कलर से बनता है? पिंक और ब्लू, लेकिन ब्लू का बहुत लाइट ब्लू, जो आपके दीवार के पीछे का ब्लू है ना, समवेयर, हाँ समवेयर दिस ब्लू, साइन कलर बोलते हैं उसको। ओके, पिंक आप ले लो, आपका ब्लू है। देखी थी। Oh wow! इंडिगो कौन सा कलर से बनता है? पिंक एंड ब्लू और व्हाइट। पिंक एंड ब्लू, रेड एंड ब्लू। क्या है ये? स्प्राइट है क्या? स्प्राइट है। कलर चीटर का। गुड। तुम ऐसा ही नहीं करते हो। नहीं, मेरा स्प्राइट है। तुम क्या? स्प्राइट है। तुम तो फिर भी नहीं करते हो।
अच्छा बताओ, इंडिगो भी रेड एंड ब्लू से बनता है, वायलेट भी रेड एंड ब्लू से बनता है, क्या डिफरेंस है? अच्छा बताओ, दो कलर सेमी कॉम्बिनेशन से कैसे बन सकता है? तो उसमें थोड़ा लाइट कलर होता है। करेक्ट। रेड जरूरी थोड़ी ना कि एक जैसे ही होगा, वो तो कंसंट्रेशन लेवल कम ज्यादा होता है तभी दूसरा कलर बनता है। ये तो पूरा खा लोगे? हाँ, ये पूरा खा। हाँ, इसमें तो कुछ नहीं है। मम्मी अगर आगे से आपको चैलेंज करवाना है तो प्लीज जंक फूड का ही करवाना है, जैसे बीटरूट और बनाना मत देना। और मैं आगे से चैलेंज करवाऊंगी तो हेल्दी फूड चैलेंज ही करवाऊंगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा हेल्दी फूड खा सको तुम लोग। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप भी अपने घर में जाइए, इससे चैलेंज कीजिए, तब तक हमको चिप्स का पैकेट खत्म करने दीजिए और बोलिए कि आपको सबसे बेस्ट राउंड कौन सा लगा कमेंट्स में। बाय। अरे पीकू, तुमने मेरे कॉपी का क्या हालत कर दिया है? दीदी, मैंने कुछ नहीं किया, मेरे कपड़े कटवा का क्या हालत कर दिया दीदी? अब क्या हुआ? आपने मेरे कपड़े की शर्ट कितने गंदिया कर दिया, उलट पुलट कर दिया। मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है, तुमने भी मेरा कॉफी बहुत गंदा कर दिया है। मैंने कुछ नहीं किया, आपने भी मेरा कर दिया पूरा गंदा। छोटू, मम्मी, क्या है? क्यों इतने शोर शराबे लगा के रखा है? अरे देखो मम्मी, छोटू ने मेरे बुक का क्या कर दिया, ये मेरे स्कूल का कॉपी था। भगवान, कल राखी है और तुम लोग ऐसे लड़ाई कर रहे हो भाई बहन मिलके। अरे अगर आंखें तो क्या हो गया, वो कौन सी हमारी रक्षा करते हो, तो हमारा बाल खींचता है, नोचता है, पता नहीं क्या क्या करता है। मम्मा रक्षा करना तो छोड़ो, छोटू तो हमको कल राखी में गिफ्ट भी नहीं देगा। वो तो दिन भर ही हमको परेशान करता रहता है और कोई गिफ्ट भी नहीं मिलेगा। देख लो, कल राखी है, तुम लोगों को प्यार से मनानी है या लड़ झगड़ के मनानी है? क्या बात, आप लोगों ने कुछ सोचा कि राखी कैसे मनानी है? मनाना क्या है मम्मा, बस ये धागा ही तो बांधना है, कल बांध लेंगे। और क्या मम्मा, गिफ्ट तो भी लेगा नहीं तो हम राखी ही बांध लेंगे, और क्या। देखो बेटा, मानो तो सेलिब्रेशन है, नहीं मानो तो एक सिंपल सा धागा है जो बांधना है, अब तुम लोगों की मर्जी, उसको ग्रैंड वे में सेलिब्रेट करना है या मुंह फुला के इनका धागा बांधना है, तुम लोगों की मर्जी। हाँ दीदी, चलो ना अच्छे से बनाते राखी, एक ही तो भाई है हमारा, वो भी पप्पू सा, अगर वो बड़ा होकर हमको भेज देने लग गए राखी में तो चलो अच्छे से बांधते हैं उसको राखी, ग्रैंड सेलिब्रेशन। बात तो सही है तो एकदम प्यारा सा और पप्पू सा, चलो राखी की तैयारी करते हैं।
वाओ 13, 14, 15, 16 फ्रेंड्स राखी मेरे तो बहुत सारे मीठे खाने पड़ते ना इसलिए मैं मंगवाई हूँ। जाओ जाओ अभी मिठाई खाओ राखी है ना। छोटू के लिए कौन सा राखी लूं? उसको क्या पसंद आएगा या फिर नहीं? हाँ सही बात है, बहुत ही बड़ी मुश्किल है। तुम्हें ना एक काम करो, ये सारी राखी है ना तुम उसको सुबह बांधो और ये सारी राखी जो है ना तुम इसको शाम को बांधो, ठीक है? हाँ हाँ बहुत मस्त आइडिया है। बेवकूफ दीदी ने क्या मस्त आइडिया दिया है, छोटू का सारे राखी बांधूंगी मेरे को बड़े के बड़ा गिफ्ट मिलेगा। Good morning, ma'am. Good morning, Hiya. Ma'am, I did all the homework. Very good, Hiya. Thank you, ma'am. Hi, friends. आपका online class कैसे चल रहा है? मेरे तो बहुत ही अच्छे चल रहे हैं। देखते हैं आगे की वीडियो बहुत ही मजा आएगा। तो चले। मम्मा मेरा class join नहीं हो रहा। मामा मैं कब ज्वाइन नहीं हो रहा हूँ ना जल्दी। मामा पारे हैं मैं बंद कर दूँ। अरे अरे मामा ज्वाइन हो गया। गुड मॉर्निंग मैम। मैम योर ऑडियो नॉट वर्किंग। मैम माय वीडियो इज नॉट वर्किंग। मैम माय ऑडियो इज नॉट वर्किंग। अम्मा मेरा क्लास हो गया, मैं छोटू के साथ खेल रही हूँ। Dear, switch on your camera. Class is not over yet. ये अच्छा लगा ना बहुत? ये अच्छा है। नहीं ये अच्छा है। हाँ बोलो। ये वाला पैक कर दीजिए। मुझे तो बहुत अच्छी लगी। और हाँ दाम ठीक ठीक लगाइएगा क्योंकि मैं आपकी परमानेंट कस्टमर हूँ, मैं हमेशा आपकी दुकान से लेती हूँ। और हाँ कहीं बाहर नहीं जाती तो दाम थोड़ा ठीक ठाक लगाइएगा। हाँ ठीक है। वो क्या है ना मैं आपकी दुकान में ही आती हूँ।
मैं कहीं बाहर से नहीं खरीदती, आपको पता है मुझे आपकी चीजें बहुत पसंद है, वो बस आप दाम ठीक से जरूर लगाइएगा। मैं सबको बाहर बताती हूँ कि आपकी दुकान दी बेस्ट है। मामा मामा, बाहर तो कुछ और बोल रहे थे, ये अंकल चोर है, ये दाम तो कभी काम नहीं करते, और आप इनकी दुकान में कभी नहीं आओगे, और आपको तो ये दुकान पसंद ही नहीं है, फिर आप यहाँ पर कुछ और ही बोल रहे हो। ऐसा क्यों? झूठ बोलना गलत बात है ना? नव्या है क्या आपके घर में? मेरे को उसके साथ खेलना है। हाँ ठीक है, आज मैं उसको बुलाती हूँ, तुम यहाँ पर बैठो। नव्या बेटा, नव्या जल्दी आओ, देखो तुम्हारी फ्रेंड आई है तुम्हारे साथ खेलने के लिए। और पीकू कैसी हो तुम, घर पे कैसे है सब लोग? मैं ठीक हूँ, और मामा पापा भी ठीक है आंटी। कितने दिनों से ना आया हमारे घर में आंटी, आप कभी कभी आया करो, मम्मा को भी अच्छा लगेगा। हाँ आ जाऊंगी बेटा, और तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है? बहुत अच्छा। तुम्हारे घर पे और सब लोग कैसे हैं? ठीक है। और बेटा तुम हर रोज क्यों नहीं आती हो खेलने? नव्या तो बहुत मिस करती है तुमको। मैं ठीक हूँ आंटी, एक्चुअली मम्मी है ना यहाँ आने से मना करती है, बोलती है नव्या तो पूरा दिन खेलती है, पढ़ाई नहीं करती, उसके साथ खेलकर मैं भी बिगड़ जाऊंगी, इसलिए मैं नहीं आ पाती। तो फ्रेंड्स, अभी पैंडेमिक चल रहा है, इसलिए बहुत ही जरूरी है कि हम लोग अच्छा खाना खाएं, और योगा इज अ मस्ट। हाँ योगा करना बहुत ही जरूरी है। कीड़ा मैं नहीं कर रही होगा, मामा से बारिश होगी क्या? नींद आ रही है मामा, मैं योगा कल कर लूं। तो बलून नकरा, मैंने सरप्राइज, थैंक यू। क्या है ये सब यार? फ्रेंड्स, अगर आपके घर में सिर्फ एक ही टीवी हो और सिर्फ एक ही रिमोट हो तो फिर तो हम दोनों साथ में टीवी देखते हैं पैर से। बट अगर घर में छोटा भाई हो तो अभी मैं देखूंगी ना। अरे मम्मा, कल है ना मेरी फ्रेंड का बर्थडे है, तो आपने जो मेरे लिए उस दिन ऐसा ये जो टॉप खरीदा था ना, मैं ये वाला पहन लेती हूँ, जो आपने एक नया वाला स्कर्ट खरीदा था ना, वो कोई ब्लैक और ग्रे कलर का था, वो बहुत सुंदर लगेगा इसके साथ, मैं वो पहन लूँ? और वो जो नया वाला ब्रेसलेट लाया था ना मेरे लिए, वाह हाँ वो पिछले मंथ, वो भी बहुत सुंदर लगेगा, एकदम सारे के सारे मैच होंगे, वो पहन लूंगी मैं।
अरे मम्मा, कल मेरी फ्रेंड का बर्थडे है और मेरे पास एक भी कपड़ा नहीं उसके घर में पहनने के लिए, पार्टी में पहनने के लिए। देखो जैसे ये ब्लैक है लेकिन इतना सुंदर भी नहीं है, छोटा भी हो चुका है मेरे को। देखो ये वाला देखो, और ये तो पता नहीं कौन सा कपड़ा है, पोछे का कपड़ा लग रहा है तो मुझे। और ये वाला, इसका तो पूरा कलर ही फेड हो गया, ये तो बहुत ही पुराना है। मेरे पास एक भी अच्छा कपड़ा नहीं है, मैं कौन सा पहनूंगी? अरे कोई तो अच्छा कपड़ा होना चाहिए मेरे पास। कभी भी आप शॉपिंग जाते हो जो भी कपड़ा सामने मिलता है वो ले लेते हो, कोई भी ढंग का कपड़ा नहीं है। अगली बार से अगर आप शॉपिंग जाओगे तो मेरे को लेकर जाना, वरना मेरे कपड़े मत लेना, मैं खुद ही चूज कर लूंगी अपने लिए। आपकी सोच तो इतनी आउटडेटेड है, इतनी बेकार है कि मैं क्या बोलूं। फ्रेंड्स, अगर हम कोई बात करते हैं तो हमको सोच समझ के बात करना चाहिए, वरना किसको हर्ट हो सकता है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। बाय।